और अब एक ऐसी प्रस्तुति होने जा रही है जो छत्तीसगढ़ में पहली बार आप और हम सभी देखेंगे। देश के प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट रेत से ये आर्ट अपना दिखाते हैं, स्क्रीन के माध्यम से आप सभी देख पाएंगे। मैं बता दूं, नितिश भारती जी आपके सामने अपनी सैंड आर्ट की प्रस्तुति, संगीतमय प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आपका एक संक्षिप्त सा परिचय मैं आप सभी को दे दूं। नितिश भारती जी अपने नाम के साथ भारती अपनी माता का नाम लगाते हैं और इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 के ये सेमी फाइनलिस्ट रह चुके हैं और एशियाज गॉट टैलेंट में इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और इसके साथ ही ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इनके सैंड आर्ट पर आधारित मूवी को नॉमिनेशन किया गया था। तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है सैंड आर्ट नितिश भारती जी के द्वारा, जोरदार तालियों की आवाज के साथ। भारत एक ऐसा देश जो समय से भी प्राचीन है, सूरज से भी तेजस्वी और सौर्यमंडल से भी विशाल। ऐसे विशाल भारत की एक कहानी जो जुड़ी है इस जगह से, मंदिर से और इस समारोह से। श्री हरि विष्णु जब सृष्टि की रचना करने हेतु अपनी नाभि से पद्म की उत्पत्ति करते हैं, तभी एक पंखुड़ी पृथ्वी पर गिर जाती है और निर्माण होता है पद्मपुर का। राजा रत्नाकर के समय में पद्मपुर एक वैभवशाली शहर के रूप में प्रस्थापित होता है और इसी वैभवशाली प्रतिमा को उज्जवल करने हेतु राजा रत्नाकर एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। पंडित ऋषि मुनि राजा महाराजा समस्त प्रजा इस महा उत्सव में सहभागी होते हैं। दंडकारण्य में आयोजित इस महायज्ञ को भंग करने हेतु वहां भूत पिशाच प्रकट हो जाते हैं। महायज्ञ को अविरत चालू रखने के लिए राजा रत्नाकर पद्मपुर के इष्ट देव श्री हरि विष्णु का नामस्मरण करते हैं और उनका आवाहन करते हैं। आ,
श्री गजेंद्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदं स्वयम् योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं। बस तभी नदी में रहने वाली मगरमच्छ एक विशालकाय हाथी पर हमला कर देती है। गजेंद्र बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और श्री हरि विष्णु को पुकारने लगता है। लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य वारेभि विराजते विभुः नयस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। उस वेदना से व्याकुल हुए गजेंद्र को बचाने श्री हरि प्रकट होते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर देते हैं। वृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोक प्रथम प्रणं वने भूतात्म भूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमालयातान्यनुकाल मृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये। अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए गजेंद्र एक पद्म का फूल श्री हरि विष्णु को भेंट स्वरूप अर्पण करते हैं। तभी श्री हरि विष्णु को उनके नाम का उच्चारण सुनाई देता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। यज्ञ के क्षेत्र में प्रकट होकर सारी बाधाओं का नाश करते हैं। राजा रत्नाकर की भक्ति पे प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु उन्हें वरदान देते हैं कि समस्त विश्व के कल्याण हेतु मैं इस पद्मपुर में वास करूंगा और निरंतर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। श्री हरि के वरदान से प्रेरित होकर विश्वकर्मा के हाथों श्री हरि विष्णु की चतुर्मुख मूर्ति बनाई जाती है। चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशमः।
समय बीतता गया और कुछ साल बाद जब राजा जगतपाल इस क्षेत्र पर राज करते थे तभी कांकेर के राजा कंडरा इस मूर्ति के प्यार में पड़ गए। और इसे अपने साथ ले जाने की जिद पकड़ के बैठ गए और कूटनीति से भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त कर ली और सबकी नजरों से बचकर नदी के मार्ग से भागने का प्रयास कर रहे थे। तभी नदी में प्रलय आ जाता है। राजा कंडरा और उनकी नाव पानी में डूब जाती है और नाव के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी। कुलेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर था जिसकी स्थापना त्रेता युग में स्वयं मां सीता ने अपने हाथों से की थी। उसी मंदिर के सीढ़ियों पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति पत्थर का स्वरूप लेकर पहुंच जाती है। तभी पास से गुजरती एक तेल का व्यापार करने वाली महिला जिसका नाम राजीन था उन्हें ये दिव्य पत्थर मिल जाता है। राजिम उस पत्थर को अपने घर ले जाती हैं
और मनोभाव से पूजा करती हैं। ये सारा चित्र राजा जगतपाल को सपने में दिख जाता है और दर दर भटकने के बाद राजा तेलिन राजन के घर पहुंच जाता है। लाख मना करने के बाद आखिर में राजन राजा जी को वो पत्थर सौंप देती है और फिर एक बार श्री हरि विष्णु अपने राजीव लोचन अवतार में मंदिर में प्रस्थापित हो जाते हैं। हजार सालों से अनेकों युगों से श्री राजीव लोचन जी करोड़ों भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री हरि हम सभी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, यही मनोकामना। श्री विष्णुवे नमः। बहुत ही अद्भुत गौरव गाथा इस प्रयागराज नगरी राजिम की आपने प्रस्तुत की है नितिश जी। और हम आप सबको बता दें कि ये लाइव चल रहा था रेत के माध्यम से, जो आप देख रहे थे मंच के बिल्कुल दाहिनी ओर। और आपकी इस अद्भुत कला से प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं इस अद्भुत कला के लिए, और अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप इसी तरह निरंतर ख्याति प्राप्त करते रहें। और छत्तीसगढ़ में दोबारा जब भी आपको आमंत्रण मिले तो आप सहर्ष स्वीकृति दें यहां आने की। एक बार जोरदार तालियां नितिश भारती जी के लिए। कहना बहुत चाहते हैं हम, लेकिन शब्द कम पड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनका सम्मान करके जता दिया है कि हम अपने इस प्यारे आर्टिस्ट को, इस प्रख्यात आर्टिस्ट को छत्तीसगढ़ की धरा पर हमने सम्मान दिया, अपने दिल में उतारा।